अस्सलाम गाइस, वेलकम आप सब लोगों का हमारे व्लॉग्स में। ईद मुबारक। तो ये है ईद प्रिपरेशन पार्ट टू। देखिए यहाँ पर मेरी मम्मा जलेबी बना रही थी मीठे के लिए। तो देखिए ये लेमन फ्लेवर है। इस बार पैकेट में जो एक साथ मिलता है पैकेट में 6 पीस ऐसा नहीं मिला था, अलग अलग मिला था। तो सुने हम लोग 1 पीस 2 रियाल का था। हम लोग इंशाल्लाह आज वीडियो डालेंगे ईद का, शॉर्ट्स वॉर्ट सब कैसे कुछ डालेंगे, क्योंकि अभी 2 बज रहा है और 3 बजने ही वाला और हम लोग को नहाना है। देखिए हम यहाँ पर मेरी माँ खोआ बना रही हैं। उसके साथ जली भी बन रहा है। दूसरा फ्लेवर मिनिमल चारी बनाना भी। देखिए रेड बनाएंगे शायद। ये यहाँ पर सोफा धुल रहे हैं। देखिए बाद में प्रवास करे, बाद की हेल्प करा रही। देखिए पोमेग्रेनेट मेरी मम्मी बना रही है। और ये पहली बार हम लोग स्ट्रॉबेरी और बनाना फ्लेवर के लाए थे और मैंगो भी लाते हैं। देखिए हम मैंगो फ्लेवर बनाएंगे। देखिए सिर्फ 3 तरीके का जेली मेरी माँ ली थी, सॉरी 4 तरीके का ली थी, बट स्ट्रॉबेरी बनाना पोमेग्रेनेट वो दोनों फ्लेवर मिक्स करके बना दिया है। पोमेग्रेनेट वाला मेरी माँ 3 ली थी और ख़त्म हो गया था। तो फिर ढूंढ रही थी, बोली थी लो स्ट्रॉबेरी ले लो। तो मैं बोली नहीं मम्मा देखो यहाँ पर बनाना वो स्ट्रॉबेरी वाला है, ये ले लो। तो बोली ठीक है। देखिए वहाँ पर कुछ बनाने जा रहे हैं। हाँ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। देखिए आलमंड हो गया, मेरे मां काजू लिए हैं उसको भी रोस्ट कर लेंगे।
ये भी हो गया है। अब फातिमा और फातिमा पर लड़ाई कर रहे रूम में, यार माँ खरोट ली है। यहाँ पर ये भी हो गया है, मैं दिखा रही कितना सारा वो फैला हुआ है। देखिए यहाँ पर वो है पिस्ता, देखिए यहाँ पर मैडम जेली को टिफिन में रखती है ऐसे। देखिए यहाँ पर मेरी माँ दूध लिए, कस्टर्ड के लिए हो। बहुत कम कस्टर्ड पाउडर था इसमें, मेरी माँ नया ले आई थी। देखिए 3 या 4 स्पून, पता नहीं कितना स्पून था, भूल गई कस्टर्ड मेरा मतलब। अब हम शुगर डाल रही है दूध में, देखिए कस्टर्ड डाल रही है। देखिए जब हो गया था कस्टर्ड, यहाँ पर मेरी माँ उसमें थिक क्रीम डाल रही थी। देखिए यहाँ पर अम्मा के मीठे बनाना चाह रही थी तो केक वो रख रही है ट्रे में। फजर की अजान होने वाली थी। देखिए अब इसमें मैंगो जूस डालेंगे, कोई भी आप लोग जूस डाल सकते हो, लेकिन वो जूस गाढ़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर कस्टर्ड डालेंगी, फिर उसके पास जेली। देखिए
ये देखिए रिमा कस्टर्ड डाल दिया उसके ऊपर सर्जरी डालेंगे। गाइस मैं क्या करूँ, 4 बजने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा तभी टाइम लगेगा, 4 बजे अजान होगी। मम्मा अभी भी वीडियो बना के ख़त्म करी है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। देखिए जल्दी भी डाल दिए। ये बनाने में लगभग 3 दिन लगता है, 3 दिन। ये देखिए मेरे मम्मा चाह रहे थे वो बनाने हैं, आज हम लोग रोजे रखे थे ना तो इसलिए मेरे मम्मा फलाफल बनाई थी इफ्तार में। देखिए अपन पकौड़े के लिए बेसन, वो जो बेटर 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 जो भी वो बना दी थी। देखिए ये चना मेरी मम्मी बना थी, चना चाट बहुत टेस्टी था ये। अब मैं बेकिंग पाउडर मम्मा को दे रही थी। यहाँ पर देखिए बाबा बहुत कम टाइम आखे थे तो बाबा केला काट रहे थे। अब देखिए फलाफल भी रेडी हो गया, फाह दिकालू डाल दिया था। देखिए यहाँ पर हम लोग पैकिंग कर रहे थे ईद के लिए बच्चे लोग को देने के लिए, ना कुछ था। देखिए मसाला जला खा रहे थे ये। मम्मा देखिए सौंफ रखे थे, खाना खाने के बाद सब लोग खाएंगे। देखिए इतना हो गया, फातिमा पहले, फिर सात, फिर फात, फिर मैं। देखिए अब फातिमा में क्रीम बना रहे थे। देखिए वो जा रहे थे सेमी बनाने, तो ठीक है आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी माँ घी से उसका थोड़ा सा रोस्ट करिए, वो जो ईद को बनाई थी कस्टर्ड और सेमी वाला मीठा वो बनाएंगी। देखिए वो भी बनाएंगी, उसके लिए सेमी अलग से और मीठा सेमी के खाने के लिए अलग से। वाह मीठा सेमी के लिए हम लोग उसको मीठा सेमी अब कहते हैं, क्योंकि कस्टर्ड कहते हैं एक को कस्टर्ड समय और मीठा समय। बाबा हेल्प कर रहे थे मम्मा की मेहंदी लगाने में, वैसे मैं स्टिकर मम्मा चिपका रही थी, बाबा मेहंदी उसके ऊपर ऐसे लगा दिए थे उनके। देखिए हाथ में मेहंदी लग गया। ये देखिए पर मेरे में क्या बनाने, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा अभी। कस्टर्ड बना रही है सभी के लिए।
भूल गई थी। वाह क्या दिमाग। मोमो मैल्स डाल के मिक्स कर लेगा सेट को। अब उसमें दूध में डाल देंगे। ये देखिए खोआ उसमें डालेंगे कस्टर्ड में। टेस्टी लगता है। देखिए मीठे के लिए भी कस्टर्ड डाल देगा। मेरे मस को ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए यहाँ पर शुगर और वाटर मेरी माँ उसको रख दी थी समय बनाने के लिए। अब मेरे माँ उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे पिसा हुआ और वो ऐसे कटा हुआ। दूध डालेंगे थोड़ा सा। इसमें सेमी डालेंगे। अरे मसा में डाल देते। अब इसमें खोआ डालेंगे। देखिए समय रेडी हो गया। ये देखिए उसके लिए बना रही है मीठे के लिए जो मीठा बनाएंगी कस्टर्ड वाला। और उसमें मैंने मैं जो रोस्ट समय को मैंने रोस्ट करी थी तो इसमें शुगर पाउडर बना के डाली है और वो मिल्क डाली है मिल्क पाउडर। देखिए हो गया मिक्स कर लिए। अब इसको बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले नीचे ड्राई फ्रूट्स डाल दो उसको पीस के रोस्ट कर लो फिर पीस के डाल दो। और उसके ऊपर से सेमी आप कस्टर्ड। कस्टर्ड अभी गर्म ही है। अब फिर से मैं और फिर उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। देखिए मैंने ट्रफल्स डाल दिए। 3 प्लेट बनाई थी इसको। अभी देखिए मेरी माँ वो जो मीठा बनाई थी केक विल्क वाला क्रीम ऊपर से लगा के अब उसमें जली मेरी माँ उसके उससे डेकोरेशन करेंगी। जली को मैं कट कर दी हूँ। देखिए काट दूँ जो भी आप लोग को
पोमेग्रेनेट फ्लेवर, लेमन फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर है। देखिए हो गया, दूसरा मैंने रेडी करेंगे, ये भी हो गया। तो भाई बगैर सुनने के सुविधा, लल्ला हाफिज और ईद मुबारक।